प्यार के प्रतीक दिन वैलेंटाइन डे पर प्रेमी युगल के सम्मान में भोपाल में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस मैदान में उतर आई है। आज एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। ये सद्बुद्धि यज्ञ बजरंग दल, शिवसेना और संस्कृति बचाओ मंच जैसे संगठनों को वैलेंटाइन डे पर सद्बुद्धि देने के लिए किया गया। एनएसयूआई के अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा ने कहा कि ऐसे संगठनों को सीएम द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है जो कि शस्त्र पूजा के आड़ में शहर का माहौल खराब कर रहे हैं। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे जिस तरह से मनाया जाता है और इस संबंध में कल हमने भोपाल डीआईजी श्रीनिवास वर्मा जी को एक ज्ञापन सौंपा था और हमने उनसे मांग की थी कि कुछ राजनीतिक संगठन बजरंग दल, हिंदू सेना, शिवसेना जैसे संगठन है जो 365 दिन में एक दिन उठते हैं और वैलेंटाइन डे का विरोध करने लगते हैं, संस्कृति बचाने की बात करते हैं, हिंदू संस्कृति बचाने की बात करते हैं और इसकी आड़ में शस्त्र पूजा, डंडा पूजा, लाठी पूजा करते हैं। इसके लिए हमने कल ज्ञापन सौंपा था और प्रशासन को चेताया था कि ऐसे चिन्हित लोग हैं, पहले से उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनके द्वारा शस्त्र पूजा संगठनों द्वारा किया गया है, लाठी पूजा किया गया है। इस संबंध में आज हमने ईश्वर की शरण में हम आए हैं और हमने ईश्वर से सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से प्रार्थना की है कि वे ऐसे संगठनों को सद्बुद्धि प्रदान करें जो 364 दिन तक खुद वैलेंटाइन डे मनाने के लिए इच्छुक रहते हैं और एक दिन जब 14 फरवरी आता है तो वैलेंटाइन डे का विरोध करने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान इन संगठनों को संरक्षण दे रहे हैं और अपने संरक्षण में ये सारी कार्रवाई करवाते हैं जबकि उनको ये मालूम है कि कुछ ही चिन्हित लोग हैं जो शस्त्र पूजा और लाठी पूजा के आड़ में शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, गुंडागर्दी को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। इस पर एनएसयूआई के अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा ने कहा कि अगर 14 फरवरी को बजरंग दल द्वारा प्रेमी युगल के साथ कोई भी अभद्र व्यवहार किया जाएगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस तैयार है। अगर 14 फरवरी को बजरंग दल, हिंदू सेना या अन्य संगठनों द्वारा वैलेंटाइन डे मनाने वालों के साथ किसी भी तरह की अभद्रता या किसी भी प्रकार की उनके खिलाफ कार्रवाई की गई तो एनएसयूआई और युवक कांग्रेस मिलकर पुरजोर उनको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है और उनकी ईंट से ईंट बजा देगी। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के नजदीक आते ही बजरंग दल और शिवसेना इस दिन के विरोध में शस्त्र पूजा करता है, लेकिन इस बार एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस प्रेमी जोड़ों को बचाने के लिए खड़ी है जो ईंट का जवाब पत्थर से देने तक आम आता है। कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी, EMS TV न्यूज़ भोपाल।